बाबू आप लोग को हम जीवन जीतू रियल लाइफ एग्जाम्पल में दिखा दी कैसा होता है, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ये जो S1 है ये S2 है, सरफेस में बताए थे तीन टाइप का होता है S1 S2 S3, अभी दो को ले रहे हैं, इनका भी रियल लाइफ में दिखाएंगे नहीं तो ये इतना ही भर दिमाग में घुसेगा। तो फिर वो PPT वाले जो पढ़ाते हैं भैया लोग और हमारे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। चलिए ना ये वीडियो खत्म, लास्ट लास्ट में आप लोग को लेके चलता हूँ और रियल में दिखाता हूँ, ठीक, रियल में कैसा दिखता है ये S1 S2 कैसा दिखता है, कैसा रहता है। यहाँ पे एक इतना सा चित्र बनाया है, ठीक है, ये S1 में क्या होता है, S2 में क्या, दोनों में कुछ नहीं, ब्रिक वॉल वॉल है, ठीक है, ईट की दीवार है ये दोनों में, ठीक है। यहां देखिए क्या लिखा, ब्रिक वॉल 0.4 बाय 1.2 मीटर, और यहां पर देखिए 0.4 बाय 1.5 मीटर, इतना ही डिफरेंस है। दोनों ब्रिक वॉल है, दोनों ईट की दीवार है, ये 0.4 इसका ये चौड़ाई है और 1.2 मीटर से कम ऊंचाई नहीं रहेगा, इसमें 0.4 इसमें भी चौड़ाई है दीवार का, मोटाई बोलिए, मोटाई मोटाई चौड़ाई नहीं मोटाई थिकनेस, और हाइट जो नॉट लेस देन 1.5 मीटर रहेगा, ठीक है। अब इतना इतना तो समझ आ गया। इसमें क्या करते हैं, S1 में इस दीवार के ऊपर में कटीले तार लगा देते और ये कटीले तार की ऊंचाई नॉट लेस देन 0.6 मीटर बोलता है, कितना बोलता है, नॉट लेस देन 0.6 मीटर, मतलब 0.6 मीटर से कम कटीले तार नहीं रहेंगे इस दीवार के ऊपर। कुल मिला के दीवार बनाया और दीवार के ऊपर क्या लगा दिया, कटीले तार लगा दिया, और दो तार के बीच का जो गैप होगा वो 0.25 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 0.25 मीटर, ये 0.25 मीटर कितना हो गया 25, और 25 50, तो और एक बार तार लगाना होगा जब ना 75 सेंटीमीटर होगा, और ये क्या बोलता है नॉट लेस देन 0.6 मीटर, 0.6 मीटर से कम तो होना ही नहीं चाहिए, तो आपको कम से कम 75 रखना होगा जब ना इस शर्त को पूरा कीजिए, इतना हुआ। अब यहाँ कटीले तार था, S2 में कुछ नहीं, S2 में इस कटीले तार के बजाय एक पैरापेट वॉल बना देते हैं, इसके दीवार के मुंडी पर एक पैरापेट वॉल बना देते हैं, ठीक है। दोनों का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ है, कुछ जगह अब हम लास्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें, पर अभी तो बताते चलेंगे, जैसे जीवन का बताया कि सम के लिए यूज करते हैं, स्टेपल पीट के लिए, जीवन का बता रहा हूं, बताए ना, वैसे ही इन सब के यूज बताऊंगा। जैसे ये जो है प्लेस ऑफ यूज ऑफ S1, ठीक है, ये S1 में सरफेस वाटर टैंक में S1 आप इस्तेमाल कीजिएगा, टॉप ऑफ एंड अबंडेंट क्वारीज है, आप S1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, S2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब्सिडेड एरिया के लिए भी आप S1 या S2 इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें भी लिखा है टॉप ऑफ अबंडेंट क्वारी और सब्सिडेड एरिया में भी S1 S2, टॉप ऑफ वर्किंग क्वारी, अबंडेंट क्वारी के लिए तो आप S1 या S2 यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉप ऑफ वर्किंग क्वारी के लिए आपको S2 इस्तेमाल करना है। टॉप ऑफ अबंडेंट शॉप, टॉप ऑफ अबंडेंट इंक्लाइन, आर वर्क टॉप ऑफ वर्किंग इंक्लाइन, मतलब कुल मिला के शाफ्ट चाहे वर्किंग हो चाहे अबंडेंट हो उसमें S2 टाइप का फेंसिंग रहेगा। अब चलिए दिखाते बाहर में केकड़ा बोलते हैं, क्योंकि नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये दीवाल है, ये घर के दीवाल का बाउंड्री है, ये तो दीवाले ना बनाते जी, और उसके ऊपर में क्या दिख रहा है देखो, ये क्या है, ये पैरापेट वॉल है, तो ये S1 टाइप का हो गया। अब मान लो ये जो मेरा आंगन है, ये मेरा जो आंगन है, मान लो ये वर्किंग क्वारी है, ये मेरा आंगन क्या है, वर्किंग क्वारी है, तो इस वर्किंग क्वारी के टॉप को फेंस करने के लिए इस टाइप का दीवार वाला अरेंजमेंट खड़ा कर देते। क्या बोला, इसका मोटाई कितना रहेगा, दीवार का S2 में 0.4 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, और ये टॉप में क्या कर देंगे, क्या लगा देते, पैरापेट कर देती है, पैरापेट हुआ। और यदि आप ये यही S1 होता तो देखिए इधर आइए, ऐसा दीवार खड़ा किया, मान लो यहाँ दिखाने में इजी रहेगा इसलिए यहाँ लेके आया, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा,
ये दिखा, ये इसके जो टॉप है इस टॉप पे हम कटीले तार लगा देंगे और कटीले तार जो रहेंगे 0.6 मीटर से कम नहीं रहेंगे और दो कटीले तार के बीच का गैप जो है वो 0.25 मीटर से कम नहीं रहेगा। बस इतना ही तो है यार S1 S2 में इस टाइप का दीवार रहता है, कुछ बहुत बड़ा बात है? हमको नहीं लगता कि आप लोग को समझ नहीं आया होगा।